हमारे फोन में बेस बैंड नहीं आ रहा, आई में नहीं आ रहा, आई में आ रहा है, बेस बैंड आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो क्यूसीएल की दिक्कत होती है कभी कभी। खम्मा गणी यूसीएन नेटवर्क फाइव को बोलते हैं। हम किसी वर्किंग फोन में से, जैसे किसी फोन में नेटवर्क वगैरह सब काम कर रहा है, बहुत बढ़िया उसमें नेटवर्क है, आई एम बी एस वगैरह सब है, यूसीएन रीड भी कर सकते हैं। नेटवर्क फाइव, नेटवर्क फाइव यूसीएन जो है रीड भी कर सकते हैं किसी वर्किंग फोन में से, तो वही ऑप्शन है रीड यूसीएन। तो रीड करके इसका फायदा ये बस है, फायदा दूसरे फोन में चला दो जिसमें नेटवर्क जी, जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, बेसिकली नेटवर्क फाइल है ये। अच्छा, सेम मॉडल की ही चलेगी, सेम मॉडल की रीड की उसी है, सेम मॉडल की रीड करके किसी भी फोन पर डाल सकते हैं हम। तो सर उसकी तो फाइल होगी, उसकी उसके अंदर तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। अच्छा, उसकी तो फाइल खराब हो गई, करप्टेड मतलब ये फाइल है ना, वो जो फाइल नहीं आ रही नेटवर्क सेक्शन में जाके और उसको रीड करके सब दूसरे में कैसे चढ़ाएंगे, मतलब वो कैसे प्रोसेस होगा? जैसे रीड कर रहा है ऐसे राइट होगा, ऐसे राइट होगा, डायगनेबल है ना, डायगनेबल पे ही काम होगा ये सारा। डायगनेबल कोड वो पकड़ेगा, रीड कर लेगा, दूसरे फोन को डायगनेबल करो, उसको लगाओ, उसके अंदर राइट कर दो। कैसे समझे नहीं, कैसे डायग्नल कोड वोड क्या डायग्नल, मैंने कोड से कुछ से बताया था पहले, एक गियर ऑप्शन डायग्नल, डायग्नल का प्रोसेस मैं बताऊंगा जब ये एमडी जीएसएम स्टार्ट होगा, उसके अंदर बहुत बड़ा वो है सेक्शन है ना। और रीड टू से लिखो नेटवर्क की फाइल है, ठीक है, अभी नीचे आओ, ये है डिसेबल स्क्रीन लॉक, ये स्क्रीन लॉक हटाने के लिए विदाउट डेटा लॉस एमआई के सारे फोनों के लिए है। चलो पहले लिखवाया था मेरे का कौन सा डिसेबल, वो क्वालकॉम का था, ये एमआई का है बस, ये डिसेबल, डिसेबल स्क्रीन लॉक। तो हमने उसमें एमआई क्वालकॉम लिखा, लेकिन उसमें क्वालकॉम सारे एमआई भी वो उसमें सारे, बस इसमें सिर्फ ये खाली एमआई के लिए। इसमें कौन सा वो लगा होगा क्या इसमें, जैसे वो कॉल एमआई क्वालकॉम है, क्वालकॉम का भाई वही तो आती है, विदाउट डाटा के वैसे जाएगा, ये वैसे लॉक खुल 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 जाएगा वो। अच्छा, विदाउट डाटा डेटा लॉस खुल जाएगा। और ये मेरा यूज नहीं हुआ, मुझे पता नहीं कामयाब है या नहीं, लेकिन बहरहाल काम इसका ही है जो मैंने बताया, कामयाब कितना है वो नहीं पता। क्या चीज़ ये है? डिसेबल स्क्रीन लॉक। अच्छा, कामयाब का नहीं पता। अब ये है आरएसए प्रोटेक्टेड, सर सर तो लिख दो, आई एम रिपेयर, आरएसए प्रोटेक्टेड क्या है, आरएसए प्रोटेक्टेड, आरएस प्रोटेक्टेड, आरएसए प्रोटेक्टेड, आई एम रिपेयर, डाउट डाटा लॉस, सिर्फ स्क्रीन लॉक, स्क्रीन लॉक सारे, स्क्रीन लॉक में पासवर्ड पैटर्न पासवर्ड कुछ भी लॉक हो ना स्क्रीन पे, क्या है लॉक सारा डाटा है, स्क्रीन लॉक ही लिख लो, सी आर टी आर एस ए प्रोटेक्टेड, आर एस ए प्रोटेक्टेड, आई एम रिपेयर। अब बोल दिया था, ये लिख लो ना आई एम रिपेयर, पहले ये लिखो आर एस ए प्रोटेक्टेड, आर एस ए प्रोटेक्टेड, आर एस ए प्रोटेक्टेड समझो, आरएसए प्रोटेक्टेड। रेडमी वाई टू जब लॉन्च हुआ ना, रेडमी वाई टू के बाद ये वाली सिक्योरिटी आ गई है हर फोन के अंदर। कौन सा सर? आरएसए प्रोटेक्टेड हर फोन के अंदर आ गई है रेडमी वाई टू के बाद।
यानी कि IMEI का पार्टीशन जो है ना, जो इसके अंदर QCN डाल रहे हैं, EFS फाइल डाल रहे हैं या IMEI डाल रहे हैं, वो इनक्रिप्टेड हो गया, वो CPU से अटैच Apple की तरह हो गया। जैसे Apple में CPU से सारे फाइल्स जो CPU से सिंक हो जाती है ना, वो हो गया RSA प्रोटेक्टेड, उसे बोलते हैं। हम किसी और फोन का ना IMEI डाल सकते हैं, ना QCN डाल सकते, ना EFS फाइल डाल सकते, तो इसीलिए आ गया RSA प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड। अब MI के फोनों का IMEI रिपेयर नहीं हो सकता, क्रैश करके सेम आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं जैसे मिस हो गया लेकिन हमें सेम पता है तो उसी सेम पता, पता है तो सेम डाल सकते हो, वो डल जाएगा Y2 के बाद। सेम अगर, हां सेम अगर डाल दिया तो वो, अगर QCN हम किसी और फोन की डालेंगे फाइल डल तो जाएगी, लेकिन फोन जैसे ही हम रीस्टार्ट करेंगे ना एनवी फेल आ जाएगा, रिकवरी मोड पर डल जाएगा फोन, और रिकवरी मोड पर रख के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा एनवी डाटा फेल। तो आज से प्रोटेक्टेड ये है, तो इसका यूज अब इसमें क्या होगा? इसका यूज ये है, ये IMEI रिपेयर कर देता है Y2 का, लेकिन सिर्फ सिग्नल आएंगे, एक आएंगे सिर्फ, वो भी है IMEI 2। एक मतलब एक सिम चला सकते हैं हम, और कोई भी अगर उसके अंदर से खत्म हो गया हम उसका IMEI नहीं पता, तो एक सिम चला सकते हैं तो सिर्फ Y2 तक के, उससे पुराने Y2 से ही स्टार्ट हुआ है, अब ये पता नहीं आगे काम करता है नहीं करता, लेकिन Y2 के अंदर लोगों ने करा है, जो उसके अंदर एक IMEI आई तो दूसरा IMEI डालता है, फिर वो रिकवरी मोड पर आ जाता है, और ऐसे IMEI डाटा फिर लिखा हुआ देता है। अगर हमारे पास IMEI नंबर है तो उसे फिर दोबारा से इंस्टॉल तो कर देगा ना सर? आर एस ए प्रोटेक्टेड सर, कर तो लो, ये तो जो जो हो रहा है ये तो, ये मुराड़ी को तो चिकना क्या है, देखो चिकना क्या है सर, है लगवा क्या है, खोल के लेंगे ना सारा खोल, चलो चलो लिखो ना, बोला ये इसके अंदर लिखना मेरे पर RSA प्रोटेक्टेड राइट में Y2 के बाद के जितने ही फोन होगा IMEI रिपेयर करेगा। लिख लो ना सर, मैं काम की जम, देखो काम की जम तरी खर्च करूँ ना, सालन जो है खाली प्लेट में सालन डाल दोगे ना तो बेकार, गोश्त के साथ डालोगे उसका सालन का मजा आ रहा है। ये उतना ही देखते हैं जो इनको करना है यार, ये तुम्हारे लिए कुछ छोड़ोगे उनका, ये कुछ हाई 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 लेवल का काम है ये। हाँ बेटा ठीक है, तुम जिनमें सब तुम लोगों से पढ़ना कर रहा सॉफ्टवेयर का, तो अब देखो NV डाटा फेल आ गया कोई हमारे पास है, ठीक है, उसको सिर्फ हम ऑन कर रहे हैं ना, ऑन करने के लिए ऑप्शन है वाइप EFS EDL, EFS फाइल मैंने बताया नेटवर्क फाइल होती है ना, EFS को हम वाइप कर देंगे ना तो नेटवर्क फाइल है उसके अंदर उड़ जाएंगी, फोन ऑन हो जाएगा। नेटवर्क फाइल ही कोई दूसरे फोन की थी तभी वो फोन अटका हुआ था ना, नेटवर्क फाइल यहाँ से हम कर देंगे वाइप, वाइप EFS EDL मोड, फोन ऑन हो जाएगा। इसके अंदर तीन ऑप्शन है, वाइप EFS EDL, वाइप EFS फास्ट बूट मोड, और ये SL भी मतलब फास्ट बूट मोड, SL पता नहीं क्या है, फास्ट बूट मोड से काम नहीं होगा जब तक बूटलोडर अनलॉक होगा हमारा। जी जी सर, EDL भी करना है, ये किस चीज में काम आएगा ये बताओ। तो वाइप EFS देखो, हमने किसी RSA प्रोटेक्टेड फोन का IMEI रिपेयर करा, दोनों IMEI या उसके अंदर QCN डाला, तो मैंने बताया ना दूसरे फोन में QCN डालेंगे तो वो फोन रिकवरी मोड पे चला जाएगा, और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा NV डाटा फेल, NV डाटा फेल जब आ जाएगा उसको हटाने के लिए ये है YPFS NV, इसको कनेक्ट करेंगे, ये EFS YPFS जो है नेटवर्क रिपेयर करने में भी काम आता है। जो मेन फोन आने हैं एक दिन आईफोन को फिर से थोड़ा थोड़ा सा
मतलब जो एलसीसी करना है लास्ट में देखिए। हां लास्ट में सर जी बताओ यूएमडी जल्दी खत्म करना है, यूएफआई स्टार्ट करना है, फोन आया भाई यूएफआई का, मैं चाह रहा हूं आपके सामने हो जाओ फ्लाइट करो सर करो भाई एग्जांपल लगा के होगा वो यूएमडी तो खत्म हो जाए। सर जी बताओ पहले पार्टी भी है नहीं एमआरटी परसों हो जाएगा कल हो जाएगा। हां जी कल क्या करोगे सर अभी यूएफआई का जी हाँ, जैसे आप कह रहे हैं सब कुछ उड़ जाएगा वेस्ट बैंड सब कुछ हट जाएगा तो फिर फोन तो खत्म हो जाएगा फोन ऑन हो जाएगा और ओके दे देंगे एनवी डाटा फेल आएगा तो ऑन हो जाएगा और ये नेटवर्क रिपेयर में भी काम आता है वाईपीएफएस। जैसे हमारा फोन आया उसके अंदर आईएमआई करप्टेड हुआ हुआ है या बेसबैंड नहीं आ रहा हमें उसके अंदर जैसे वाईटू से पुराने फोन है उसके अंदर आईएमआई रिपेयर करने के लिए ना पहले वाईपीएफएस करना पड़ेगा पहले सब कुछ उड़ाना पड़ेगा फिर डालना पड़ता है फिर क्यूसीएन डाल दो उसके अंदर जो मैंने बताया क्यूसीएन नेटवर्क भी आ जाएंगे फिर अपना टाइम में रिपेयर कर दो उसके अंदर ठीक है भाई भी एफएस वहाँ भी काम आता है हमारा फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है या आई एम आई करप्ट हो गया बेसमेंट करप्ट हो गया देख लो ईएफएस जो है नेटवर्क रिपेयर करने में काम आता है बस। और ये तो बेकार है बूट लोडर ना कामयाब नहीं है बूट लोडर अनलॉक का है ये कामयाब नहीं है सर कामयाब नहीं है अब इसमें क्या ये नोकिया एमबीओ फ्लैशर ये भी देख लो कहाँ आ जाती है चीज नोकिया के क्वालकॉम फोन फ्रेमवर एक्सट्रैक्टर क्वालकॉम फोन जो है नोकिया के वो फास्टबूट मोड पे फ्लैश होते हैं है ना लेकिन अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास आया फोन डेड अनब्रिक मोड में मतलब ईडीएल मोड EDL पोर्ट पकड़ रहा है बस और कुछ नहीं हरा फोन डेड है तो उसमें काम आएगा ये NBO फाइल जो है फास्ट बूट से फ्लैश होती है फास्ट बूट तो आ नहीं रहा फोन तो ये EDL पे फ्लैश कर देगा वो उस वाली फाइल को ना NBO वाली फाइल को बस ये ये लोग क्या NBO फ्लैशर ये वाले में लिखो अनब्रेक डिवाइस को ये किसमें किसमें था सर नोकिया एंड्रॉइड है क्या लिखा सर नोकिया एनबीओ फ्लैश नोकिया एनबीओ फ्लैश लिखो एन एनबीओ फ्लैश नोकिया एनबीओ फ्लैश फ्लैश भाई अब बताओ क्या इसका जरा विस्तार पूर्वक क्या है इसमें स्टार पूर्वक में लिखो ये अनब्रेक डिवाइसेस को यानी कि डेड डेड डिवाइस नोकिया अनब्रेक देसी भाषा में फोन डेड है नोकिया डेड फोन को ये नोकिया डेड फोन अगर ईडीएल मोड पकड़ रहे हैं या मोबाइल ईडीएल मोड पर आ रहे हैं फोन को देखें ईडीएल मोड पे आ रहा है फ्लैश कर देगा ईडीएल मोड पे आ रहा है तो ये फ्लैश कर देगा ईडीएल फ्लैश डेड मोबाइल ईडीएल मोड पे आ रहा है तो उसको फ्लैश कर देगा पासवर्ड वाली फाइल से नोकिया हो नोकिया का कॉल पहले तो जिसमें वैसे सर अब तो फोन ही नहीं दिखते सर नोकिया क्या बात ये ओनली सर वो है नोकिया कॉल का अभी करो कर रहा था एक फोन होना चाहिए नोकिया का सर नोकिया कॉल सर जी अभी करो केबल देखिए कनेक्ट हो रहा है इनको कनेक्ट हो गया जी सी देखो मौके पाए भगवान गए थे भाई कहते कोर्स में कुछ करके जाओगे हाँ कुछ करोगे तो वैसे क्या कह रहे थे अभी जो फास्ट फूड सर उधर एक ब्लैक वाली केबल होगी जो फाइव फ्लैश होती है ना क्या का फास्ट फूड पे फ्लैश होता है ठीक है वैसे लेकिन जब डेड मोड और फास्ट फूड मोड नहीं आएगा उसका ईडीएल पे आएगा ईडीएल पे अगर आ रहा है वो तो ये वही फास्ट बूट वाली फाइल को ईडीएल मोड पे भी फ्लैश करता है ये वाला हां ये उसको डाउनलोड करना ये ऑप्शन ऑप्शन है ना
वेरीफाई तो डाउनलोड करेंगे हम यूएमडी में ऑप्शन। हां यूएमडी ठीक है, डाउनलोड किया या तो चीज पूरी समझो शॉट दे लो सब वाली भेजो सर चार्जिंग वाला फोन चार्जिंग केबल दे दो ना डाटा केबल ये सर दबाता जब अपडेट नहीं करते ना फोन को, ऐसा नहीं है ये बताओ ईडीएल मोड पे मैच होगा पासवर्ड मोड पे कौन सा एमआई वाला ये क्वालकॉम फोन है ईडीएल मोड पे क्वालकॉम ईडीएल मोड पे होगा आपने ये बताया मैंने ये बताया एमआई के रेडमी 3S से पहले जितने ही फोन आए थे पासवर्ड को फ्लैश होंगे बताया नहीं बताया मैंने तो ये 3S से पहले आया हुआ फोन है बताया नहीं बताया मैं कह रहा हूँ कि आप बताएं जाए तो ये दंड का मतलब मैं वो ओवरऑल रह गया पुराने वाले याद नहीं था कि पुराने रेडमी तो पुराना ना है ये सर मॉडल मेरे को याद नहीं कौन सा कब आया नहीं अभी दंड का अधिकारी है आप ना दे तो मैं गिफ्ट दे दूंगा मैं तो थोड़ा सा हिंट लूंगा नेट पे तो उसके बाद करूंगा सर स्टार्टिंग में अभी कह रहा आपने ईडीएल पे बताया लेकिन एक हिंट लेना पड़ेगा मैं तो क्वालकॉम को जो ऐसा ना क्वालकॉम हर फोन ईडीएल का थोड़ी होगा पुराने में तो पुराने ठीक है अब इसमें दवा एमबीओ एमबीओ आ गया ब्रोमियर एक्सट्रैक्टर मैंने बता दिया था ये वीवो के कुछ फोन है जिनके लॉक को खोल देता है ये इसकी जरूरत नहीं है वैसे भी ये यहाँ पे आई गया हमारा रीडन टूल्स के अंदर सारे मॉडल्स ही आ गए लॉक खोलने के लिए ना वीवो के सारे फोन ही आ गए मोटरोला बूट रिपेयर देख लो बस ये लास्ट है मोटो बूट रिपेयर हाँ वो जो लोगो पे अटक जाता है अनब्रेक डेड अच्छा डेड डेड फोन बूट रिपेयर होता है डेड फोनों को उठाना बूट रिपेयर मोटोरोला मोटो बूट रिपेयर इसमें तो सिर्फ बूट रिपेयर लिखा है मोटो कुछ मॉडल दे रखे हैं ये रहे इन मॉडलों का बूट रिपेयर कर सकते हैं उसके अंदर फोन अगर डेड है ना कौन सा है सर क्या लिखा है ये मॉडल जितने भी दे रखे हैं ना चार पांच इन मॉडलों का बूट रिपेयर कर सकते हैं इसका वो कौन सी लिखे हैं हेडिंग करके मोटो बूट रिपेयर मोटो बूट रिपेयर मोटो बूट रिपेयर ये मतलब ऐसे जो जो भी कुछ फोन थोड़ा सा नींद में आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है सर डेड फोन सर ये सब एक्सट्री मॉडल है हां मॉडल एक्सट्री मैंने बताया ना एसक्यू वर्जन होता है एक्सट्री 18 1686 मोटोरोला में एसक्यू वर्जन है सारे मोटो फोन हो गए जो फोन इसमें दे रखे हैं ना अवेलेबल है उन फोनों का बूट रिपेयर कर सकते हैं जो डिवाइस अवेलेबल है उन डिवाइस का मोटोरोला बूट रिपेयर कर सकते हैं बूट रिपेयर या अनब्रिक डिवाइस जैसे मैंने पूछा था डेड का डेड डेड ईडीएल का डायरेक्ट उन फोनों का बूट रिपेयर कर सकते हैं उनके लेकिन पासवर्ड वाली फाइल क्या देनी पड़ेगी उसके बाद रिपेयर पे क्लिक करेंगे मोटोरोला
अब यहाँ पे एक सवाल नहीं उठ रहा तुम्हारा, क्या एक सवाल नहीं उठ रहा यहाँ पे, उठना चाहिए सवाल उठ रहा है सर। मुझे वो लग रहा था कि ये अगर हम फोन लेके आएंगे ना जो कस्टमर के लेके आते हैं उसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत है या हार्डवेयर की दिक्कत है, वो सस्ता कैसे वो भी तो पता होगा हेडफोनों की। पहले कंप्यूटर पे तो कनेक्ट करोगे, EDL पे कनेक्ट हो रहा तो अनग्रिड डिवाइस है, EDL पे नहीं हो रहा तो बैटरी पहले बूस्ट करके फिर लगा के देखो, नहीं हो रहा फिर हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर डैड के लिए वो है पावर सप्लाई, उसमें चेक करो कहाँ तक और ऑन हो रहा है कहाँ तक नहीं हो रहा, पता लगेगा ऐसे। सॉफ्टवेयर का तो मेन पता लगा, वो बता ही देगा वो सॉफ्टवेयर क्या करा था, डेड हो गया या करवाया था डेड हो गया। ये सवाल उतना सही था, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, बोल रहा था ये बोलो मैं एक की बात तो नहीं जा रहे हैं पूछ तो दिया डेड फोन में वर्जन कैसे फ्लैश फाइल का चेक करेंगे, कौन सी फाइल फ्लैश डेड फोन में वर्जन चेक नहीं कर सकते हैं। और इंडिया फोन इस फोन आया तो जाहिर ही बात है इंडिया का ही फोन, और मैंने बताया था मोटरोला में आप एक ही फाइल आती है CID 50 पूरे मतलब इंडिया में वही काम कर रही है, जो मैं फोन है CID 50 पासपोर्ट बोर्ड पर तो लिखा आएगा CID 32 लेकिन CID 50 की फाइल काम करती है उसमें, अच्छा लिखा आएगा 32 लेकिन CID 50 की फाइल मोटरोला के अलावा जो डेड फोन उनमें थोड़ी सेकंड हायर वर्जन मैंने बताया ना जो लेटेस्ट फाइल तुम्हें मिले सबसे वो ही डाउनलोड करती है, CID का कोई मसला ही नहीं होता उन और फोनों में जैसे कॉल अपने फोनों में, इसके अंदर ही एडवांस फ्लैश और Xiaomi पासवर्ड है, ये इतने ज़्यादा काम के नहीं है, तो मैंने ये पढ़ाया भी नहीं, ठीक है ना। अब आ जाओ UFTGS है क्या, ये QC फायर का मतलब UFTGS है, अभी UMTI एक सेटअप कंप्लीट हो गया, अभी कितने सेटअप है सर, तीन पढ़ाऊंगा मैं, GSM और RMT। GSM के साथ फोन कहाँ बचे हुए हैं, GSM जितने फोन है सबको GSM के अंदर ही आते हैं सारे, वो आप CDM में बोल रहे हो, वो CDM है, मैं समझ गया आपकी बात, CDM का भी सेटअप है इसका, आते ही नहीं फोन। अब क्या लिखा था, UMTI GSM GSM लेकिन भाई मेरे हाथ मार रहे थोड़ा कुल्फी जमा दे रहा भाई पूरा बंद कर दे यार पूरा बंद का हो रहा है ऊपर छत पे यार 17 मिनट का रखा है मैंने 22 पे कर रखा था हां फिर ठीक है सर ये बहुत ज्यादा कर रहा है मैं 22 कर रहा था उसको किस तरह 17 नहीं सर आप ही आप कसम सर नहीं किया मैंने तो रुमाल हाथ में लगाया सुबह से ऐसा क्यों सर मैंने नहीं किया सर जी मैं ये दावा को सर वो ज्यादा ठंड चीज मैंने तो सर रिमोट का हाथ नहीं लगाया देखो दावा नहीं किया था इसके अंदर दो सेटअप आते हैं एक इंडियन वर्जन और एक इंटरनेशनल वर्जन अगर हम इंडियन वर्जन डाउनलोड करेंगे और उसको ऑन करेंगे तो उसके अंदर आएंगे एक ऑप्शन रिपेयर का ऑप्शन हो गई नहीं ये मैंने इंटरनेशनल वर्जन का कैसे अंदर आएंगे का ऑप्शन है इसके अंदर ही एग्रीमेंट्स वगैरह आते हैं अच्छा इनको क्लिक करना पड़ रहा है फिर एक्सेप्ट करो तब ऑन होगा तो सेटअप ही जो हम डाउनलोड करेंगे वो उन दो ऑप्शन आ इंडियन वर्जन और इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल वाला कर रहा है इंटरनेशनल के अंदर ही होता है ये यूनिटी जीएस है मतलब ये तो कोई टूल है जी वो ये यूनिटी तो इसका तो सर जी आपने वो फाइल डाउनलोड क्यों की पहले उससे जैसे सेटअप जहां से मैंने बताया था ना क्यूसी फाइल डाउनलोड करा था वहीं से ही होगा वहीं से होगा ना इसमें सीपीयू के वो है आई मेरे पर बहुत सारे देखो ऑल विनर ये भी सीपीयू है इसका भी आई मेरे पर इसमें फालतू के टाइप बहुत सारे हैं
हमें जो जो काम आएगा ना उन उनका मतलब बता दो। ये वन प्लस का आईमे रिपेयर, ठीक है, ओप्पो का आईमे रिपेयर, कोई सी फोन का जो जो मॉडल दे रहे। नहीं नहीं है यहाँ पे, हाँ कॉलकॉम के डायरेक्ट पोर्ट खोल के कोई चाहिए फोन का, इसमें नेटवर्क अनलॉक भी है 837 835 ये सब, इन सब मॉडलों पे ये रहा नेटवर्क अनलॉक। मतलब ये क्या कर नेटवर्क अनलॉक कंट्री अनलॉक जो होता है, कंट्री लॉक होते हैं ना फोन, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यूसी यूनिवर्स ये है काम की चीज, क्यूसी यूनिवर्स। इसमें ये वाला सेक्शन है ना क्वालकॉम आईवे रिपेयर, और ये दोनों बहुत काम की चीज है। क्वालकॉम का आईवे रिपेयर का है ये पूरा, ये दोनों बॉक्स है ना सिर्फ आईवे रिपेयर के लिए। इसमें देखो ईएमटी मेथड 1 यही कामयाब है बस, बाकी सारे बेकार हैं। ईएमटी मेथड 1 कोई भी क्वालकॉम फोन का आईवे रिपेयर कर सकते हैं इससे, कोई भी क्वालकॉम फोन का। क्यूसी यूनिवर्सल आप बता दो क्या और ये क्वालकॉम आईएमई रिपेयर, क्वालकॉम सीपीयू के सबका आईएमई रिपेयर कर देगा, ये क्वालकॉम के फोनों का सबके फोन का आईएमई रिपेयर कर देगा। डायरेक्ट इनेबल होना चाहिए, डायरेक्ट इनेबल होना चाहिए। डायग इनेबल यहाँ सेलेक्ट होगी पहले स्कैन करके ना, डायग पोर्ट यहाँ सेलेक्ट होगी फिर आएंगे रिपेयर करेंगे। पूरा प्रोसेस बताना तो थोड़ा इसका। अपना नाम अमित। डायग इनेबल देखो या तो कोर्ट से करनी है, जो हमारे कोर्ट सपोर्ट बताया था हाँ डायग इनेबल होना चाहिए, या तो कोड से या फिर रूट करने के बाद ना, रूट करने के बाद ये ऑप्शन है इनेबल डायग। रूट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ना उनको एडी मोड पे कनेक्ट करने के बाद तो डायग खोल देगा ये, लेकिन डिवाइस रूट होना चाहिए इसके लिए। यही से ना सर इनेबल डायग के लिए, लेकिन डिवाइस रूट करने का बहुत लंबा प्रोसेस है हमें। रूट क्यों करेंगे कोड से, सिक्योरिटी कोड कौन सा बताया था, हर मॉडल का अलग अलग वो है सर। क्यूसी यूनिवर्सल के पास यूएमटी मेथड में किसी किसी फोन में जैसे रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी वाई 2 का डायग इनेबल पता है कमांड से हो रहा है, एडीपी शेल तो उसके बाद एक कमांड है उससे, तो तुम्हें नेटवर्क मिल जाएगा वो डायग इनेबल करने का, क्योंकि हर फोन का अलग अलग प्रोसेस है, हर मॉडल वाइज है ना, कोई कोड से खुल रहा है वो रूट होके खुल रहा है, कोई ऐसे भी मिल जाता है, तो डायग इनेबल नेट पे मिल जाएगा तुम्हें, हर फोन का अलग अलग है। डायग इनेबल करने के बाद ये ऑप्शन काम करेंगे आईएमई रिपेयर के क्वालकॉम डिवाइसेस के लिए। यूएमटी मेथड 1 ये है कामयाब है बस, यूएमटी मेथड 1। तो आईएमई रिपेयर करने के बाद फिर भी हमारे नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शन है ये रहा क्यूसीएन टूल, क्यूसीएन राइट करने के लिए। क्यूसीएन अब देखो हम क्यूसीएन डालेंगे किसी दूसरे फोन की ना, रीड फोन की सुनो क्यूसीएन डालेंगे तो आईएमई भी दूसरे फोन का आ जाएगा। अच्छा है तो हम चेंज कर सकते हैं
जो फोन का अपना आई है ना वो यहाँ पे डाल के और क्यू सी एन फाइल के साथ डाल सकते हैं। सर जी भी करके बता सकते हो फोन बड़ा हो तो भाई फोन ही क्यू सी एन है क्यू सी एन दिखा देता हूँ मैं। नहीं ऊपर वाला तो ऑप्शन है फिर क्यू सी एन डाल दो समझ आ गया। और ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये रीड करने का हमारे पास तो करप्टेड है हमारा हमने सिर्फ पहले आईएमआई डाल के देखा आईएमआई तो आ गया लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क चेंज का बताया मैंने क्यूसीएन तो QCN फाइल को लोड करके QCN के अंदर IMEI चेंज हो जाता है। ये ऑप्शन है अपना ओरिजिनल IMEI डालने के लिए मतलब QCN के साथ साथ अपना ओरिजिनल IMEI भी डल जाएगा फोन के अंदर समझे कि समझे ठीक है ध्यान से समझ आया समझ में कुछ ठीक है लिखो बिल्कुल लिखो यार ये तो आप कंप्लीट कर दिए उसके बाद लिखना हाँ हो गया बस कंप्लीट। ये क्यूसीएन टूल है ये आईएमआई का टूल है। अब एक मिनट जल्दी दो मिनट लिख दे बिल्कुल लिखो एक मिनट दो मिनट लिखो 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 पहले ये लिखो क्वालकॉम आईएमआई रिपेयर सर लास्ट का है क्या मतलब क्लास होने वाली है दो तीन दिन है आपको सॉफ्टवेयर सीखना है बस या हार्डवेयर में खाली सॉफ्टवेयर तो करते हैं आप पहले से काम कहाँ पे भजनपुरा पे खजूरी में कितने साल से काम कर रहे हैं चार साल से काम कहाँ सीखा था मैंने सॉफ्टवेयर सीखा था आता है सॉफ्टवेयर काम वहाँ पे नहीं आता हाँ सॉफ्टवेयर का काम आता तो करवाना पड़ता है फिर कस्टमर सारे मतलब वही है कि टाइम देना पड़ता है हर कोई नहीं करवाता ना फिर क्योंकि आज की डेट में टाइम पे चाहिए कोई वेट ही नहीं करता। ये भी तुम्हारी तरह ही है तुम्हारा आगे तो बैठे हार्डवेयर अपना जॉब है हार्डवेयर का काम था सॉफ्टवेयर सीखना है कल तीन फोन बोल दिए